हेलो गाइस, वेलकम टू एडु अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार, और मैं आज के इस वीडियो में झारखंड के जो प्रमंडल हैं और उन प्रमंडलों में जो जिले हैं उसको आसान सरल भाषा में और ट्रिक के माध्यम से आज की इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब टू एडु अंकुरन। झारखंड के प्रमंडल, पहले मैं आपको बतला दूं कि प्रमंडल होता क्या है। तो भारत के राज्यों में प्रशासनिक सुविधा के लिए बनाया गया क्षेत्र जिसमें कई जिले या मंडल शामिल होते हैं उसे प्रमंडल कहते हैं। प्रमंडल को अंग्रेजी में डिवीजन कहते हैं। तो जब ब्रिटिशर्स आए या फिर पहले भी एंशियंट इंडिया में भी एक राज्य को संचालित करने के लिए सुचारू रूप से उसमें जो प्रशासनिक सुविधा है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, उसको बेहतर तरीके से लागू करने के लिए प्रमंडलों में उसे बांट दिया जाता था, डिवीजन में उसको डिवाइड किया जाता था। वही आज भी चलता आ रहा है। ठीक है, तो अभी के समय क्या है कि झारखंड राज्य में 5 प्रमंडल हैं। ठीक है, तो आमतौर पर इसके अंतर्गत कई मंडल भी आते हैं। मंडल मतलब कि जिला। जिला जो है वो उर्दू या फारसी का शब्द है। देखिए, जैसे ये हिंदी में जिला लिखा हुआ है ना, इसके यहां पर ऐसे करके डॉट लगा देते हैं तो ये बन जाता है जिला। उसको इस तरह से बोलेंगे जिला। ठीक है, तो ये एक फारसी का शब्द है, हिंदी में मंडल कहा जाता है। अभी भी आप जो उत्तर प्रदेश का इलाका हो गया या फिर ऐसे भी अपने पुराने जो दादा हो गए, नाना हो गए, वो मंडल ही शब्द यूज करते हैं। और वैसे भी आप देखिएगा, जो गवर्नमेंट का जो प्रपत्र होता है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस जो जारी किया जाता है हिंदी में, तो उसमें मंडल लिखा हुआ रहता है। ठीक है, आई होप इसको आप समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसका नियंत्रण आयुक्त या कमिश्नर के हाथ में होता है। जो डिवीजन होता है उसका जो कंट्रोल होता है वो किसके हाथ में होता है? आयुक्त के हाथ में होता है। और वे राज्य के विभागीय सचिव को रिपोर्ट करता है। ठीक है, जैसे कि झारखंड में 5 डिवीजन है, तो हर एक डिवीजन का एक आयुक्त होते हैं, एक कमिश्नर होते हैं। ठीक है, उसको मंडल से या जिला से कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, जिला में जो होते हैं उसको डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर कहते हैं, उपायुक्त। अभी मैं बतलाऊंगा अगले स्लाइड में। देखिए, झारखंड को 5 प्रमंडलों में विभाजित किया गया है। ठीक है, 5 प्रमंडल है, उस सब के बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में देख रहे हैं। थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो होता है वो किस तरह से होता है सो देखते हैं। जैसे झारखंड का राज्य है, ये कब बना था? 15 नवंबर 2000 में झारखंड राज्य बना। ये बिहार राज्य से अलग होकर बना है। ठीक है, चलिए अब राज्य जो होते हैं उसको डिवीजन में या फिर प्रमंडल में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो झारखंड राज्य में कितने प्रमंडल हैं? तो 5 प्रमंडल हैं। ठीक है, अब कई प्रमंडलों, एक मतलब जो भी प्रमंडल हैं वो कई मंडल या फिर जिला के मिलने पे बनते हैं। ठीक है, तो कई जिलों का जो समूह होता है उसी को प्रमंडल कहेंगे। इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है, प्रमंडल किसे कहेंगे कि कई जिला जो होते हैं वो मिलते हैं आपस में, तो एक डिवीजन या फिर एक प्रमंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो झारखंड में कितने जिले हैं? तो झारखंड में 24 जिले हैं। ठीक है, आगे है कि अनुमंडल। अब जो अनुमंडल है उसको सब डिवीजन इंग्लिश में बोलते हैं। तो कई अनुमंडलों के मिलने से एक जिला होता है, या फिर एक जिला में कई अनुमंडल होते हैं। तो झारखंड में कितने अनुमंडल हैं? तो 45, 45 अनुमंडल हैं। ठीक है, आगे है प्रखंड या फिर ब्लॉक। तो अनुमंडलों में कई ब्लॉक होते हैं, कई प्रखंड होते हैं। ठीक है, तो कितने प्रखंड हैं झारखंड में? 263, 263 प्रखंड हैं या ब्लॉक हैं। आप लोगों को ये भी बता दूं, तो जो प्रमंडल है उसका नियंत्रण किसके हाथ में होता है? आयुक्त के हाथ में, उसे कमिश्नर कहते हैं। जैसे 5 प्रमंडल हैं तो झारखंड में आयुक्त कितने होंगे? 5 आयुक्त होंगे। ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि जिला या डिस्ट्रिक्ट, इसी को मंडल कहा जाता है। ठीक है, मंडल से बड़ा हुआ प्रमंडल, मंडल से छोटा हुआ अनुमंडल। तो इस तरह से अपने दिमाग में रखिएगा। तो जिला का कंट्रोल जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हाथ में होता है। हिंदी में उसको क्या कहते हैं? उपायुक्त कहते हैं, उप लग जाता है। ठीक है, आयुक्त के आगे उप लग जाता है। ठीक है, तो वही हो जाता है उपायुक्त, या फिर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर उसको कहते हैं। फिर आगे अनुमंडल। अनुमंडल किसके निगरानी में होता है? तो एक सब डिविजनल ऑफिसर होते हैं, उसको क्या बोला जाता है? अनुमंडल पदाधिकारी। ठीक है,
उसके बाद फिर प्रखंड होता है या फिर ब्लॉक होता है, तो प्रखंड विकास पदाधिकारी, ठीक है। तो प्रखंड जो होता है वो प्रखंड विकास पदाधिकारी के अंतर्गत होता है, अनुमंडल जो होता है वो अनुमंडल पदाधिकारी के अंतर्गत होता है, जिला जो होता है वो किसके निगरानी में होता है, वो उपायुक्त के निगरानी में होता है, और प्रमंडल किसके निगरानी में होता है, तो आयुक्त के निगरानी में होता है। झारखंड में यही है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का जो भी चीज होता है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रशासनिक जो देख रेख होता है उसका एक ढांचा ये है, ठीक है। तो इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा। तो प्रमंडल हुए 5, डिस्ट्रिक्ट हुए 24, अनुमंडल हुए 45 और प्रखंड हुए 263। समय समय पर ये चेंज हो सकते हैं। किन किन की संख्या? जिलों की संख्या। जैसे जब झारखंड अलग हुआ था तो 18 जिले थे, अभी कितने जिले हैं? तो 24 जिले, 24 जिले हैं। उसी तरह से अनुमंडल जो होते हैं उनकी भी संख्या या तो बढ़ती है या तो घटती है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। जिस तरह का राजनीतिक परिवेश होता है और जिस तरह की वहां पर की जो अर्थव्यवस्था और पॉपुलेशन होता है उस पर डिपेंड करता है कि अनुमंडलों की संख्या बढ़ानी है घटानी है, प्रखंड की संख्या बढ़ानी है घटानी है, ठीक है। तो ये है पूरा डिटेल्स, आगे बढ़ते हैं। तो ये है झारखंड के प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर, संथाल परगना, पलामू, दक्षिणी छोटा नागपुर और कोल्हान। तो यही 5 प्रमंडल हैं। इन सभी प्रमंडलों के बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। कोल्हान प्रमंडल जो है बाद में बनाया गया, ठीक है। कोल्हान राज्य के निर्माण के समय सिर्फ 4 प्रमंडल थे, ठीक है। 2009 में दक्षिणी छोटा नागपुर का विभाजन कर कोल्हान प्रमंडल की स्थापना की गई है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि झारखंड का वो कौन सा प्रमंडल है जो बाद में बना, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोल्हान प्रमंडल की स्थापना कब की गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग यहां पर देख रहे हैं, ये है आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में 7 जिले हैं और इसका जो मुख्यालय है वो हजारीबाग है। अब 7 जिले कौन कौन से हैं? चतरा है, रामगढ़ है, गिरिडीह है, हजारीबाग है, कोडरमा है, बोकारो है और धनबाद है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो 7 जिले आते हैं। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो हजारीबाग है। उत्तरी छोटा नागपुर आपसे क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, कोई 4 जिला उठा के दे देगा और पूछेगा कि उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत ये जिले आते हैं, जिसमें मान लीजिए दे देगा रामगढ़, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा, ठीक है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में फिर कोई जिले को चेंज कर देगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। हालांकि इसका एमसीक्यू बहुत जल्द आपको मैं कराऊंगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं लेना है, लेकिन अभी आप लोग पूरा डिटेल्स के साथ में इसको समझिए। अच्छा, अब इसको एक ट्रिक के माध्यम से एक निमोनिक्स बना के आपके सामने रखा हूं कि इसके जिले को कैसे याद किया जाए। सबका अपना अपना ट्रिक है, मैं जो ट्रिक बनाया हूं वो आपके सामने रख दे रहा हूं, आप लोग अपने तरीके से ही बना सकते हैं। तो ट्रिक है कुछ इस तरह से कि चतुर राम गिरी जी से 1,000 रुपए लेके कोडरमा बैंक में जमा करने करके धनवान बने। जैसे चतुर से हो जाएगा चतरा, राम से हो जाएगा रामगढ़, गिरी से हो जाएगा गिरिडीह, हजार से हो जाएगा हजारीबाग, कोडरमा से कोडरमा, बैंक से का बै से हो जाएगा आपका बोकारो, और धनवाद यानी कि धनवान बने। तो ये एक ट्रिक है जिसके माध्यम से आप जिलों को याद रख सकते हैं। अपना अपना तरीका है, आप अपने तरीके से भी इसको बना सकते हैं। अगला डिटेल्स है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जिला है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का वो गिरिडीह है, और जो सबसे छोटा जिला है वो रामगढ़ है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा सकता है कि उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो गिरिडीह है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, एरिया वाइज। और सबसे छोटा कौन है? तो रामगढ़ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो धनबाद है। और सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो कोडरमा है। ये कुछ डिटेल्स हैं जो कि उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल से हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, अक्सर एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब जो अगला जो प्रमंडल है वो आपका पलामू प्रमंडल है। तो पलामू प्रमंडल के बारे में बता दूं कि इसका जो मुख्यालय है वो मेदिनी नगर में है, और इसमें 3 जिले, इसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं, कौन कौन? पलामू, गढ़वा और लातेहार, ठीक है। अब इसको भी याद करने का एक तरीका है, ठीक है। तो इसको याद करने का क्या तरीका है? पगला, ठीक है, प से हो जाएगा पलामू, ग से हो जाएगा गढ़वा और ला से हो जाएगा आपका लातेहार, ठीक है, पलामू, गढ़वा, लातेहार।
क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पलामू प्रमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं, तो पलामू, गढ़वा, लातेहार आते हैं, ठीक है। इसका मुख्यालय मेदिनीनगर, 3 जिला है, ठीक है। चलिए अगला डिटेल्स है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है वो पलामू है और सबसे छोटा जिला जो है वो लातेहार है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, पलामू है, और सबसे छोटा जिला है वो लातेहार ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो है वो है आपका छोटा नागपुर। कौन सा छोटा नागपुर, तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में 5 जिले हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो रांची में है। और इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, तो इसमें 5 जिले आते हैं, खुट्टी है, सिमडेगा है, रांची है, लोहरदगा है और गुमला है, ठीक है। तो इन 5 जिलों को याद करने का जो एक निमोनिक्स है, एक तरीका है, ट्रिक के माध्यम है, वो क्या है कि खुट्टी वाला सीन रांची लोहरदगा ट्रेन में गुम हो गया, ठीक है। खुट्टी से खुट्टी, सीम से सिमडेगा, रांची से रांची लोहरदगा और गुम से गुमला, ठीक है। ये एक तरीका है, आप लोग अपने तरीके से भी जिला को याद कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग अगर जिले को और प्रमंडल को याद कर लेते हैं तो आपको जो झारखंड का जो भूगोल है या फिर झारखंड में जो पॉलिटी है, ठीक है, झारखंड की राजनीति, झारखंड की का भूगोल और इवन झारखंड का इतिहास समझने में आसानी हो जाती है, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग अपने दिमाग में रखिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है वो गुमला है और सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो लोहरदगा है। वही जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला रांची है और सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो लोहरदगा है। तो ये है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के बारे में जानकारी। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला जो है वो है संथाल परगना। संथाल परगना में जो मुख्यालय है वो दुमका है। इसमें 6 जिले हैं, कौन कौन सा जिला है, तो दुमका है, देवघर है, गोड्डा है, साहेबगंज है, पाकुड़ है और जामताड़ा है। संथाल परगना में 6 जिला है, कौन कौन सा, दुमका, देवघर, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा। आप यहां पर देख सकते हैं, इमेज में भी आपको बताया गया है, ठीक है। इसका निमोनिक्स क्या बन सकता है, ट्रिक के माध्यम से, सबका अपना अपना भी तरीका है, मैं जो तरीका है वो आपके सामने रख दे रहा हूं। साहेब का दुम गोड़ पकड़कर देवघर में जम गया, ठीक है। वो कहा जाता है ना, साहेब, साहेब से हो जाएगा आपका साहेबगंज, दुम से हो जाएगा दुमका, गोड़ से आपका हो जाएगा गोड्डा, पकड़, गोड़ किसको कहते हैं, पैर को गोड़ कहते हैं, ठीक है, तो उससे हो जाएगा गोड्डा, पकड़ से हो जाएगा पाकुड़ और जम गया से जामताड़ा, ठीक है। तो ये एक ट्रिक है। आगे बढ़ेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो दुमका है। सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो पाकुड़ है। वहीं जनसंख्या की दृष्टि से संथाल परगना प्रमंडल में सबसे बड़ा जिला है देवघर और सबसे छोटा जिला है जामताड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है कोल्हान प्रमंडल। कोल्हान प्रमंडल में इसका जो मुख्यालय है वो चाईबासा है। इसमें 3 जिला आते हैं, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम, ठीक है। कोल्हान प्रमंडल आपको मैं बतला दिया हूं, कोल्हान प्रमंडल जो झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था उस समय 4 ही प्रमंडल थे। कोल्हान प्रमंडल 2009 में बनाया गया है, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ रखा गया है, तो चाईबासा रखा गया है। इसके अंतर्गत 3 जिला है, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम, ठीक है। याद करने का तरीका क्या है कि सराय के पूरब पश्चिम में सिंह घूम रहा है, तो सराय से हो जाएगा सिंहभूम और पूरब पश्चिम से हो जाएगा पूरब और पश्चिम, ठीक है, और सिंह से हो जाएगा सिंहभूम, ठीक है। तो ये एक तरीका है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो पश्चिमी सिंहभूम है। सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो सरायकेला खरसावां है। वही जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है वो पूर्वी सिंहभूम है और सबसे छोटा जिला है वो सरायकेला खरसावां है, ठीक है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है, पूर्वी सिंहभूम। और वही क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो पश्चिमी सिंहभूम। और सबसे छोटा जिला, जनसंख्या हो या फिर क्षेत्रफल को हो, दोनों की दृष्टि से सरायकेला खरसावां है। तो दोस्तों ये है प्रमंडल और उससे संबंधित जिले, जिसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखें। अब इन जनरल क्वेश्चन कभी कभी आप लोगों से पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रमंडल का क्रम क्या है, ठीक है। तो घटते क्रम में मैं आपको बतला रहा हूं कि सबसे जो छोटा होता है वो पलामू है, ठीक है। अगर प्रमंडल के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो पलामू है। उससे बड़ा क्या है, तो कोल्हान है। उससे बड़ा क्या है, तो संथाल परगना है।
उससे बड़ा क्या है तो उत्तरी छोटा नागपुर है, और उससे बड़ा क्या है तो दक्षिणी छोटा नागपुर। यानी कि दक्षिणी छोटा नागपुर जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है या फिर क्रम भी दिया जा सकता है, ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपको क्रमवार तरीके से दिया जा सकता है। तो ये देखिए घटता क्रम है ये कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्या है तो दक्षिणी छोटा नागपुर, उससे छोटा क्या है तो उत्तरी छोटा नागपुर, उससे छोटा क्या है तो संथाल परगना, उससे छोटा कोल्हान और उससे छोटा पलामू प्रमंडल। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से। आइए देखते हैं जनसंख्या की दृष्टि से। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है, उत्तरी छोटा नागपुर, उसके बाद कौन सा है तो संथाल परगना, उसके बाद कौन सा है दक्षिणी छोटा नागपुर, उससे छोटा कोल्हान और फिर उससे छोटा पलामू। तो ये हुआ आपका घटता हुआ क्रम है। ठीक है, तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है तो पलामू है, सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है तो उत्तरी छोटा नागपुर है। ठीक है, तो दोस्तों ये है झारखंड के प्रमंडल और उससे संबंधित जिले। अब इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकेंगे उसको एमसीक्यू के फॉर्म में बहुत जल्द एडु अंकुरन चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो अब यहीं पर समाप्त करता हूं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए एडु अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।